और बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बताएं पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। टीएमसी ने बीजेपी पर हत्या का आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टीएमसी के कार्यकर्ता की हत्या के बाद टीएमसी ने बीजेपी पर इसका आरोप लगाया है। देवजानी चौबे मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। देवजानी, सबसे पहले अपडेट दीजिए। देखिए, हावड़ा एक ऐसा इलाका है जहाँ पे इस बार जब पंचायत के चुनाव हुए थे तो कुछ इलाकों में बीजेपी को भारी बढ़त मिली थी और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के साथ हमने देखा था कि किस तरह से दोनों समर्थक एक दूसरे के साथ इनकी लड़ाई हो रही थी। और इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता की मौत हो गई है। तृणमूल कांग्रेस ने जो ऑफिशियल बयान दिया है उसके मुताबिक उन्होंने सारा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हाल ही में पुरुलिया में उनके दो कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है और क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने इस घटना को अंजाम दिया है तो अब इस घटना से बचने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे हावड़ा की घटना में वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला फिलहाल जारी है। पुलिस अब घटना की जांच जो है वो शुरू, लेकिन सबसे अभी तक ऑफिशियल बयान आया नहीं है। देवजानी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सवाल यहां पर यही उठता है कि क्या अब इसे सांप्रदायिक रंग दिया जाएगा? जिस तरह से बीजेपी के दो कार्यकर्ताओं की मौत हुई और टीएमसी के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, कौन इसके पीछे है? या तो ये टीएमसी जानती है या फिर बीजेपी।